हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय लर्निंग एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के डिफरेंस के बारे में। क्या? क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। सो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है वो एक ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लास्टिड्स होते हैं ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये प्रोटोप्लास्ट दिया हुआ है, यानी एमाइलोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, लायोप्लास्ट इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट्स में, जो प्लांट्स की जो सेल होती है उसमें ये स्मॉल ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फूड या फिर पिगमेंट वगैरह को कंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एक प्लास्टिड की डिफिनेशन हो गई। हम लोग ये देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये क्लोरोप्लास्ट को दिखा रहा है, ये क्रोमोप्लास्ट को दिखा रहा है, और ये ल्यूकोप्लास्ट। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इसमें ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। एंड ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो कैरोटीनॉइड्स को कंटेन करते हैं, रेड ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग अब मेजर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसा कि आप जानती होंगे, ये जो प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है, बट जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारा मेनली फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। क्या? फोटोसिंथेसिस कराने में ये आप हेल्प करता है प्लांट्स में। ओके, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये प्लांट्स वगैरह, यानी कि जो फ्रूट्स रहता है ना, फ्रूट्स वगैरह की राइपनिंग में हेल्प करता है। ओके, राइपनिंग हो गया, एंड ये सिल्क मतलब उनकी एजिंग में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कोई भी फ्रूट्स रहता है, जब वो राइप हो जाते हैं ना, तो उसका कलर जो होता है हल्का सा येलोइश या फिर ऑरेंज कलर हो जाता है। यही इसका मेन फंक्शन होता है क्रोमोप्लास्ट का। ओके, क्या यहाँ पे लिख दूँ मैं, फ्रूट्स की राइपनिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस ये है यहाँ पे, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स भी आपको देखने को मिलेंगे एंड क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के केस में क्या होता है, क्लोरोफिल तो नहीं मिलता है, बट जो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेनली आपको जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें, प्लांट के लीव में जो मेसोफिल सेल होती है ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? मेसोफिल सेल में, ठीक है। एंड जो ये होते हैं, क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट, तो ये आपको ज़्यादातर प्लांट्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स में, और ये स्ट्रेस जो लीव्स वगैरह होती हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? ये आपको जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल होता है ना, फ्लावर्स के पेटल्स में आपको देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रेस लीव्स हो जाती हैं, कोई भी इसमें स्ट्रेस होता है लीव्स में, तो जैसे कि एजिंग हो जाती है ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट, इसमें क्या होता है, ये मेनली इसमें आपको ग्रीन, मेनली क्या कॉमन ही है, ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का ही होता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑरेंज हो गया, ठीक है, एंड येलो हो गया, तो ये आपको पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तभी होता है ना, ये फ्रूट की राइपनिंग कराएंगे, राइट। और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है, ये लोग जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये 70S राइबोसोम को कंटेन करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो 70S राइबोसोम को कंटेन करता है, बट वहीं जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं मिलता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
सो ये कुछ हो गई मेजर प्रॉपर्टीज़ जो कि इसकी डिफरेंस के बारे में बताती हैं, ठीक है। और मैंने एक दो तीन वीडियोस और भी बनाई हैं जो कि डिफरेंसेस हैं, यानी कि डिफरेंस के बेस पे ही हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड मैं डिफरेंट और भी एक दो वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ देन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सच न्यू अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।